लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ? वो आ रहा है। कौन वो? इंस्पेक्टर विजय। आने दे यार। गुरु मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जरा चाय पी लूं। ओ बिल्लिया, आप काका ने जरा दूध पिला दे। थैंक यू। आ भी ले जा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या पियेंगे? आप चाय ठंडा और बिल्लिया एक गिलास दूध ले। कल रात को तुम कहाँ थे? कल रात अपन को कुछ पता नहीं। जो पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो। रात के 12:45 पर तुम कहाँ थे? कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। ठीक से याद करो, जरा दिमाग पे जोर दो। वो कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारी याददाश्त, लगता है ठीक करनी पड़ेगी। बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, भगवान कसम अगर ये वर्दी आपके शरीर पर ना होती तो ये हाथ अब तक उखाड़ दिया होता। गुरु ये जलजला बड़ी आसानी से निकल गया। अरे समझदार था इसीलिए चला गया। लेकिन गुरु मान गए तुम्हें भी, तुम पहले आदमी हो जिसे इंस्पेक्टर विजय बिना साथ लिए वापस चला गया। तू डरता बहुत है। अरे डरता नहीं हूँ, उसकी इंस्पेक्टरी की इज्जत करता हूँ। अगर तुम कहोगे तो आगे से नहीं डरूंगा, सामने आती ऐसा एक घुमा के दूंगा कि उसकी बत्ती बाहर गिर जाएगी। है गुरु ये मेरे कान बज रहे हैं कि सायरन की आवाज है? गुरु मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ये कौन आ रहा है? इंस्पेक्टर विजय। अच्छा गुरु इसके लिए तो तुम अकेले ही बहुत हो, मेरी क्या जरूरत है, मैं चलता हूँ। हाँ अरे ठंडा वो तो हो चुका हूँ, तुम पी लेना। भाग प्रीता। अब मेरे जिस्म पे वर्दी नहीं है, उखाड़ मेरा हाथ। सुना नहीं तुमने? छोड़ो ना साहब, खाली पीली बात घट जाएगी, ठना लेंगे आप। सूरज तुमने वर्दी का ताना दिया था, मैंने वर्दी उतार दी। अब मैं तुम्हारी मर्दानगी को चैलेंज करता हूं। मर्द के बच्चे हो तो उखाड़ो मेरा हाथ। Oh, my God.
तुमने अपन के रामू की जान बचाई, इसलिए इस बार अपन हार मानता है। पूछो पूछो, क्या पूछना है? उसके लिए अपन को जेल भी जाना पड़े ना, अपन तैयार है। पूछो। अब तुमसे कुछ नहीं पूछना सूरज, तुम्हें दिखाना है। क्या दिखाना है साहब? यही कि कानून सिर्फ वर्दी का नाम नहीं। तो किस चीज का नाम है? पुलिस स्टेशन आके अपनी आंखों से देख लेना। आओ सूरज, मैंने तुम्हें पूछा था कि 21 तारीख की रात को ठीक 12:45 पर तुम कहां थे, और तुमने जवाब दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं। अपन बोला था ना साहब, आप जो पूछेगा अपन बता देगा। तुम क्या बताओगे? मैं बताता हूं। अपनी बाई तरफ देखो। उल्लू के पट्टे साले। हाँ, ये वही उल्लू के पट्टे हैं जिनके लिए तुमने फाइल चुराई, और मैंने इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें भागने का मौका दिया। आओ ये फाइल, गौर से देखो इसे। ये वही फाइल है ना जो तुमने मेरे घर से चुराई थी। लेकिन अफसोस, तुम्हारी चोरी इनके कोई काम नहीं आ सकी, क्योंकि ये फाइल नकली है। असली फाइल तो पुलिस रिकॉर्ड रूम के सेफ में। मान गए साहब, आप दिलेर भी और होशियार भी, लेकिन अपन पर मर्द आदमी है क्या? अपन अपने जुर्म से इनकार नहीं करेगा? लो गिरफ्तार कर लो साहब, कर लो साहब। ना सूरज, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी और कानून की पहचान कराना चाहता था। मेरे घर से फाइल चोरी करके तुमने एक तरह से मेरी मदद की। मैंने तो खुद तुम्हें फाइल ले जाने का मौका दिया, मुझ पे हाथ उठाकर तुमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने खुद तुम्हें हाथ उठाने पर मजबूर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो लोग वर्दी पहनते हैं उनके बाजू में वर्दी की इज्जत निभाने की ताकत भी होती है। जुर्म और मुजरिम जहां भी हो, मेरे हाथ उनको दबोचना अच्छी तरह जानते हैं। देखा साहब देखा, आप जो कुछ दिखाना चाहते हैं ना अपन अच्छी तरह से देख लिया साहब। लेकिन अब मैं तुम्हें चोर के रूप में ना देखूं, ये पाप की दुनिया छोड़ दो, क्योंकि आज के बाद चोरी करते हुए पकड़े गए तो माफी नहीं सजा मिलेगी, समझे? समझ गया साहब, बिल्कुल समझ गया। लेकिन साहब, अपन का दिल में एक छोटा सा बात आया है, बुरा ना माने तो बोल दूं? हाँ बोलो साहब। जितनी इज्जत जितना प्यार आपको अपनी इस वर्दी से है ना साहब, उतना ही प्यार अपन को चोरी के धंधे से है साहब। अपन चोरी से तौबा नहीं कर सकता। हाँ, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपन को रंगे हाथ पकड़ कर अंदर कर दो। लेकिन साहब अभी ऐसा होएगा नहीं, सूरज आपको अच्छी तरह से समझ गया है। अभी अपन आपका चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है साहब। क्या बच्चे चैलेंज कर रहे हो? नहीं साहब नहीं, अपन छोटा सा चोर
अपना क्या वैल्यू कि हम आपको चैलेंज करेगा? आपने अपना पहचान करवाया, हमने अपना पहचान करा दिया। साहब, आप कानून की दुनिया का नेहला है ना, तो अपनपन पाप की दुनिया का छोटा सा दहला। दहला साहब। विजय, अरे तू कहाँ छुपा बैठा है? बस अंकल, एक जरूरी फाइल बना रहा हूँ। अरे छोड़ इसे, पहले मुझे अपना माथा चूम लेने दे। जानता है आज सारे पुलिस डिपार्टमेंट में तेरी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं, और अभी अभी आईजी साहब मुझे क्लब में मिले थे, वो तेरी तरक्की के लिए सिफारिश करने वाले। मेरी असली तरक्की तो उस दिन होगी अंकल, जिस दिन मैं पाशा को पकड़ के आपकी जेल में वापस पहुंचाऊंगा। पाशा? तुम क्या जानते हो पाशा के बारे में? सिर्फ इतना कि उसके अलावा आपकी जेल से कभी कोई कैदी नहीं भागा। छोड़ो भी बेटा, कितने साल बीत गए, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। जब से वर्दी पहनी है मेरी एक ही तमन्ना है, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो पाशा के बारे में मुझे बता सके। सूरज, मैं सोचती हूँ कि अब हम दोनों को हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। तुम अपने मम्मी डैडी को मेरे घर भेजो ना। आरती, अपन के तो सिर्फ बाबा है, और वो अपन डरते हो उनके सामने अपने प्यार की बात करते? नहीं आरती, अपन अपन के बाबा से नहीं डरता, डरता तो तुम्हारी मम्मी से, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार ना करते। वो क्यों इनकार करने लगी? बात यह है कि, बोलो ना आरती, बात यह है कि मैं एक चोर हूँ। विजय, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ आरती, मैं ठीक कह रहा हूँ, ये आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है, झूठे प्यार का नाटक रचाकर तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। इंस्पेक्टर विजय, तुम मेरे प्यार के रास्ते में दीवार बनना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या करते हो जवाली? अपन किधर है? अपने कमरे में। और आरती? बंगले पे। और इंस्पेक्टर विजय? अपने पुलिस स्टेशन पे। अरे गुरु, तुम्हें कितनी बार कहा कि इंस्पेक्टर विजय से मत भिड़ो, वो तुम्हें सपने में भी आराम नहीं करने देगा। अरे छोड़ना यार, अपन तो एक बहुत अच्छा सपना देख रहा था। हाँ यही ना, कि इंस्पेक्टर तुम्हें लॉकअप में उल्टा लटका के तुम्हारी पिटाई कर रहा है ना? नहीं दोस्त, वो अपन के साथ थी, वो अपन के साथ शादी करना चाहती है। सपने में? देख लेना, अपन का सपना सच निकलेगा, वो अपन की जोरू बनेगी। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बेटा, आज तो हिम्मत करके बोली दे। आरती, बात ये है। हाय आरती। हेलो आरती। हाय अनीता। कहाँ थी? हाउ आर यू आरती? ओके, बाय बाय बाय। कॉलेज की फ्रेंड्स थी। हाँ तो बोलो। क्या बोल रहा था? आरती, बात यह है कि मैं। हेलो विजय, पहचाना नहीं यार, पुलिस ट्रेनिंग के दौरान पुणे में मिले थे। भाई साहब, आपसे कुछ गलती हो रही है, पुलिस ट्रेनिंग छोड़ो, मैं तो सब्जी मंडी में आलू बेचता हूँ। आलू? चलो आरती, कहाँ से चले आते हैं आलू? तुमने उसे झूठ क्यों बोला? झूठ ना बोलो तो क्या करूँ, बात शुरू करने जाता तो कोई ना कोई बीच में टपक आता है। चलो बाबा, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ क्या बात है? बात यह है आरती, कि इस दुनिया में हर एक चीज का किसी दूसरी चीज के साथ बंधन होता है। बंधन? हाँ, जैसे भगवान का बंधन भक्त के साथ, भगवान ना हो तो भक्त अधूरा, और भक्त ना हो तो भगवान अधूरा। मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं, चलो मैं समझाता हूँ। अब देखो, हवा, हवा का बंधन है बादल के साथ, हवा चले तो बादल चले, बादल का बंधन है पानी के साथ, पानी का बंधन है धरती के साथ, और धरती का बंधन है फसल के साथ, और फसल का बंधन जीवन के साथ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छा एक बार बताओ आरती, दो इंसानों के बीच में वो कौन सा बंधन है जो अटूट हो? दो इंसानों के बीच ऐसा कौन सा बंधन है जो अटूट हो? दो इंसानों के बीच ऐसा कौन सा बंधन है जो अटूट हो? क्या सोच रहे हो? बड़ी अच्छी बात पूछी तुमने, मैं चलती हूँ। कहाँ? एक जरूरी काम याद आ गया।
यहाँ क्यों लाई हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। ऐसा कौन सा सवाल है? बात यह है कि वो इस दुनिया की हर चीज का दूसरी चीज के साथ एक बंधन होता है। मैं समझा नहीं। देखो, हवा का बंधन है बादल के साथ, हवा चलेगी तो बादल चलेंगे। बादल का बंधन है पानी के साथ, पानी का बंधन है धरती के साथ, धरती का बंधन है फसल के साथ, फसल का बंधन है जीवन के साथ, और जीवन का बंधन है प्रेम के साथ, और प्रेम का बंधन है दिल के साथ, दिल का बंधन है दिल के साथ। क्या दिलों के बंधन भी इन बंधनों की तरह अटूट होते हैं? दिलों के बंधन शादी के बंधन में बंध कर लगन मंडप की अग्नि में तप कर कुंदन बनते हैं, और चिता की अग्नि पर निछावर हो जाते हैं।